चाइना के साथ 1962 की जंग इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक थी, पर ऐसा नहीं था कि किसी ने भी ये वॉर एक्सपेक्ट नहीं की थी, बल्कि 1955 से लेकर 1959 तक ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके थे जिसके बाद इस वॉर की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुकी थी। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल के एस तिमैया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार गवर्नमेंट को चाइना की इंटेंशंस के बारे में अलर्ट कर दिया था। इनफैक्ट 1959 में जनरल तिमैया ने नेहरू लेड गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड मैन पावर और इक्विपमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था जो कि ज़रूरी था चाइना को कंटेन करने के। बट उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन ने आर्मी चीफ को प्रो वेस्ट बताते हुए उनकी सारी डिमांड्स रिजेक्ट कर दी और जनरल तिमैया ने भी डिफेंस मिनिस्टर का कॉम्प्लीमेंट उन्हें रिटर्न करते हुए एक कम्युनिस्ट होने का टैग लगा दिया था। 1961 में जनरल तिमैया रिटायर हो गए, पर उनकी बात सच हुई और इंडिया को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर मेनन को रिजाइन